देखिए ऐसा है कि आजम साहब का हरदम सुर्खियों में रहने का आदत है और कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि कभी इस्तीफ़ा देंगे, कभी विधानसभा का, कल इस्तीफ़ा देकर उन्होंने दिखाया कि विधानसभा से हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं। अब हर रोज़ एक एक ड्रामा करेंगे तो वो जाने और पार्टी, उनके समाजवादी पार्टी के उनके शीर्ष लोग डिसाइड करें कि आज़म खान साहब लड़े नहीं लड़े हमें कोई मतलब। संकेत कि आपको कुछ भाजपा पद मिल सकता है? देखिए हार जीत तो चुनाव में होते रहते हैं, उसके लिए हम क्या पद के लिए हम सोच के पार्टी का पार्टी में रहें ऐसा कभी नहीं है। मैं तो जब समाजवादी पार्टी में आई थी तो मुलायम सिंह जी को मैंने यही कहा था कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं कहीं से लड़ूंगी नहीं, लेकिन रामपुर आके मैं चुनाव तो लड़ना पड़ा मुझे। तो ऐसे ही जो पार्टी के जो अधिनेते लोग होते हैं, शीर्ष लोग होते हैं, शीर्ष नेता लोग होते हैं, वो अपने इसमें विचार करते हैं और सोचते हैं इसके बारे में, मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ देती। आज ईद के इस मौके पर मैं सारे रामपुर वासियों को, देशवासियों को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपसी गिले शिकवे भूल कर हम भाईचारे को, गंगा जमुनी तहजीब को हम बरकरार रखते हुए और ईद की सिवैयों को हम आनंद लेते रहें। अच्छा, आप भाजपा से रामपुर से चुनाव लड़ी थी, आज ईद का त्यौहार है, देखा जाए कोई भी भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी कोई भी आज मौजूद नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? बात इसमें नहीं है कि कोई आए नहीं आए, वो अपने अपने जगह में व्यस्त होंगे, लेकिन हम अपने कर्तव्य को, हमने जो वादा किया था, हम दुख में सुख में शामिल करेंगे और इस रामपुर को छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर जितने हमारे नेता लोग हैं वो सब मेरे साथ हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या?